आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So our question is the differential equation of the family of curve whose tangent at any point makes an angle of pi by 4 with this ellipse. तो क्या हो रहा है, एक differential equation है and which is of family of curve जिसका tangent जो है वो इससे हमको pi by 4 का angle बना रहा है, right? तो हमें वो बताना है। अब वो curve बताना है, तो हमें पता है कि given कर रखा है कि x square by 4 plus y square is equal to 1, ठीक है। तो हम इसको differentiate कर देंगे, तो ये जाएगा 2x by 4 प्लस ये जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारा 2 कॉमन ले लोगे तो x बाय 4 प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, राइट। तो dy ओवर dx की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, माइनस x बाय 4y, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ इस वाला जो एलिप्स है उसका स्लोप हो जाएगा। अब हम इसको m1 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि लेट द स्लोप जो फैमिली ऑफ कर्व है, let the slope of tangent at a point on ellipse, ठीक है, where the tangent यहाँ पे tangent meet करेगा, where the tangents meet, हम मान लेते हैं कि उसका slope क्या है, m2 है। अब हमें पता है कि अगर हमें angle निकालना है उनके बीच में, तो angle क्या होता है, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, राइट। अब हमें एंगल कितना दे रखा था, पाई बाय 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू हमारा m1 हमने अभी माना था x बाय 4 बाय x अपॉन 4 बाय m2 और 1 ये आ जाएगा माइनस x अपॉन 4 बाय इंटू m2, राइट। 10 पाई बाय 4 यानी 10 45, 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये जाएगा माइनस x माइनस m2 इंटू 4 बाय डिवाइडेड बाय 4y माइनस एक्स एम टू, राइट। और वो 4y कैंसिल हो जाएगा। अब मॉडुलस है तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4y माइनस एक्स एम टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस एम टू 4y, राइट, माइनस कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 4y माइनस एक्स एम टू, एक वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो माइनस 4y and m2, राइट। ये दो वैल्यूज हो गई, इसको सॉल्व करोगे, इसको दो अलग अलग वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m2 और m2 वाली टर्म कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m2 और ये हो जाएगा 4y plus x is equal to 4y minus x, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4y minus x upon 4y plus x, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 4y minus x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4y और m2, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस 4y अपॉन 4y माइनस एक्स, ओके। जिसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, m2 मतलब हमारा बेसिकली dy ओवर dx ही है, तो इससे पता चल जाएगा हमारा कि dy ओवर dx विच इज स्लोप 4y माइनस x अपॉन x प्लस 4y, और क्या आ जाएगा यहाँ पे dy ओवर dx, माइनस कॉमन ले लो तो ये जाएगा x प्लस 4y, और जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ से तो x माइनस 4y, ओके। सो दिस इज आर ऑप्शन, ओके। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बेसिकली आर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।